नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं, मैं हूं रोहित शर्मा। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है एक ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें स्कूली बसेस को जो है स्कूल की बसेस को रुकवाकर उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स और जो कंडीशंस अप्लाई करवाई जाती हैं स्कूल बसेस की को, जिसमें कि मेडिकल फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंडेटरी रहती हैं जब भी कोई स्कूल बसेस जब बच्चों को कैरी करती हैं। साथ ही साथ ओवरलोडिंग तो नहीं है, ये सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखा जाता है। ऐसे में कुछ दिनों से लगातार RTO डिपार्टमेंट के तमाम आला अधिकारी जो हैं वो नाका लगाकर एक स्पेशल ड्राइव जो है वो चलाते हैं, जिसमें स्कूल बसेस को जो है वो रोका जाता है और इंश्योर किया जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन के पास पूरी है कि नहीं। हमारे पास MVD सर कुंडल जी आपसे बात करेंगे। आज फिर आपकी तरफ से एक विशेष नाका लगाया गया है यहाँ पर, आप स्कूल बसेस को चेक कर रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज हैं जो देखे गए हैं? हम ये हैं कि RTO साहब की डायरेक्शन से हम ये नाका अब तकरीबन दूसरे दिन लगा लेते हैं। जो भी बसें स्कूल बसेज आती हैं, जो ड्राइवर के साथ पास लाइसेंस नहीं होता है, उनको हम फाइन करते हैं, चलान करते हैं। और ये ओवरलोडिंग की बसेस में पाया गया है कि बच्चे ज़्यादा बैठे होते हैं, हालांकि वो बोनट के ऊपर भी बैठे बच्चे बैठ जाते हैं। हमने वो भी ओवरलोडिंग में उनको चलान भी किए, फ़ाइन भी किया। तो मोर ओवर हम ये सारी जो ये ड्राइव है ये कंटिन्यू रहेगी। हमारी अभी तक जो चलानिंग आपने की गई है, मेजर ऑफेंसेस क्या देखे गए? क्योंकि काफ़ी कंडीशन जो हैं वो रहती हैं स्कूल वालों को मेडिकल फैसिलिटी या पानी की फैसिलिटी देने वो मैंडेटरी रहती है, वो चीज़ें देखी जा रही हैं, कैरी कर रहे हैं उसको, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से आप ड्राइव कर रहे हैं, मैसेज भी जो है स्कूल इसको दे रहे हैं। जी, हम बच्चों की फैसिलिटी के लिए बच्चों से पूछते हैं कि कोई आपका ड्राइवर कोई फ़ोन तो नहीं चलाता वाइल ड्राइव, गाड़ी चलाते वक्त कोई फ़ोन तो नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है हमें इन्फॉर्म करें। बाकी पानी का रहा मसला, वो कैंपर बड़ा होता है गाड़ी में, फायर इंस्टीट्यूशन लगा होता है, और यही ड्राइवर को बोलते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त कभी फ़ोन का इस्तेमाल मत करें और डॉक्यूमेंट सारे देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को रोका जा रहा है, स्कूल गाड़ियों को जो भी निकल रही हैं यहाँ से, और उनको इंश्योर किया जा रहा है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, और तमाम वो चीज़ें जो बताई जाती हैं लगातार फॉलो करने के लिए उनको देखा जा रहा है कि वो सब चीज़ें यहाँ पर स्कूल बसेस ड्राइवर्स द्वारा जो है उनको कैरी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देखे जा रहे हैं। और ये बात की खास तौर पे जो जानकारी दी है डिपार्टमेंट के जो लोग हैं इन्होंने कि वाइल्ड ड्राइविंग ड्राइवर अगर फ़ोन का इस्तेमाल करता है तो फोन बैठते हो ना, ज़्यादा तो नहीं बैठते बच्चे? पानी मिलता आपको टाइम से? अगर प्यास लगेगी आप तो ड्राइवर आपका फ़ोन तो नहीं करता मोबाइल फ़ोन गाड़ी चलाते वक्त? कभी आ भी जाए तो निकालो। आपसे एक मिनट बात करेंगे, आप स्कूल बस यहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कहेंगे जो इनिशिएटिव डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर लिया गया? काफ़ी सारे ड्राइवर जो हैं वो कई बार गलती करते हैं, चलाते टाइम फ़ोन यूज़ करते हैं, क्या मैसेज आप करेगा? सर नहीं, चलाते समय मैसेज वो फ़ोन नहीं करना चाहिए, अगर ज़रूरी फ़ोन है तो साइड पर लगा कर फ़ोन बात कर लें। बच्चों की सेफ्टी कितनी ज़रूरी रहती है? आप ड्राइवर हैं, बच्चों को साथ लेकर जाते हैं, काफ़ी जो मतलब एक जिम्मेवारी का काम है आप घर से लेकर जाना छोड़, बच्चों छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पूरी जिम्मेवारी होती है, हमें स्टॉप पे उतारना है, साइड पे गाड़ी करके रोक के गाड़ी बच्चों को उतारना है, और ये सेफ्टी चाहिए बच्चों की। थैंक यू सर। साफ तौर पर आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस के MVD जितने हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार स्कूल की बसेस को जो है वहाँ चेक किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये ड्राइव जो है वो RTO कार्यालय की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें इंश्योर किया जा रहा है कि जो स्कूल बसेज हैं वो प्रॉपर जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। साथ ही साथ बच्चों से भी ये इंश्योर किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि गाड़ी चलाते टाइम क्या आपके ड्राइवर फ़ोन पर बात तो नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मा जो है वो ड्राइवर के कंधों पर होता है, जब बच्चों को लेकर जाना है, बच्चों को स्कूल पहुँचाना, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का भी ये मामला सामने आता है। और कई कंडीशंस ऐसी रहती हैं जिसमें पानी गाड़ी के अंदर होना वो मैंडेटरी रहेगा, साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी रहना वो मैंडेटरी रहेगी, और इन चीज़ों को सुनिश्चित कर रहा है RTO डिपार्टमेंट। इस वक्त तमाम जगहों पर जो है ये ड्राइव चलाई जाती है, और समय रहते जो है स्कूल बसेस को या स्कूल चालकों को जो है वो अवेयर भी किया जाता है। बाकी मैंने अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए मैं व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। उत्तम सवाल के साथ रोहित शर्मा, टेक वन। अब आपके व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।